बिल्कुल ढोंगी है, एकदम ढोंगी है, बोल जितना रहे भी बाबा है ये आसाराम बापू से कम नहीं है। इससे भी कोई बात नहीं कि बाबा में शक्ति है कि वो मंत्र मार करके किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है ना? वो बस एक ही काम कर रहे हैं कि जितने भी सारे हिंदुओं हैं उनको एकजुट कर रहे हैं। पहले हिंदू एक नहीं थे, पहले हिंदू एक थे, ठीक है, लेकिन इधर जो अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली में द केरला स्टोरी भी निकला, ठीक है, तो वो भी इसी के ऊपर में है कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में लव जिहाद वाला मामला हो रहा था। अच्छा, उसकी वजह से सारे हिंदू अलग अलग हो गए थे। जो आदमी का काम न है जाके वहाँ प्रवचन सुनेगा ही। अच्छा, जो आदमी का काम नहीं है वही प्रवचन सुनेगा। और कौन सुनेगा? तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हम जो मेरी जनता है उसके लिए काम करेंगे, ये सब प्रवचन वगैरह क्यों सुनेगा? प्रवचन से क्या, प्रवचन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रवचन से कुछ नहीं होगा। क्या चीज नहीं, आप से कुछ होने वाला नहीं, प्रवचन से कुछ अपना। अच्छा अच्छा, प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला है ना? प्रणाम नहीं करता होगा, 10 बार गोल लगता होगा वहाँ। आप वहाँ देखने जा रहे हैं कि वहाँ कितना खाली हम ही लोग के एज का है, वहाँ बूढ़ा से लेके बच्चे तक हैं। आप प्रवचन से फायदा बताइए तो। प्रवचन से पूछिए ना जो बोल रहा है उसका फायदा। बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं वहाँ पे, बीमार पड़ेगा ना, इतना गर्मी, भीष्म गर्मी है। था कि बिहार में इतना ज्यादा गर्मी पड़ेगा, हम क्यों अभी यहाँ पे आ रहे हैं? बिहार में तो बस मतलब 2 लाख लोगों के लिए ही वहाँ अरेंजमेंट किया गया। अब बाबा को क्या पता, बाबा ने तो खुद ये एक वीडियो अपना जारी किया, उसमें बोला कि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप अपने घर से बच पाए। बाबा को पता नहीं था कि बिहार में कितने लोग आ सकते हैं भाई, शक्तिशाली है, सही बात। यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, इसके कारण सब वहाँ जाकर बेरोजगार रहेगा तो कहा वहाँ प्रवचन सुनने के। बहुत बेरोजगार, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं इतना बेरोजगारी बढ़ा है कि कोई व्यक्ति के काम मिलना मुश्किल हो रहा है। 2014 से पहले तो बहुत नौकरी मिल जा रहा था, नौकरी मिल ही रहा था, इससे पढ़े हैं कि विदाउट भूख मार के ठीक कर देना चाहिए था ना। अच्छा, तो सही बात है कि नहीं चाचा? बिल्कुल सही बात है, इतना शक्ति था तो जो लोग बीमार पड़ते हैं तो उसको शक्ति नहीं, वो बेरोजगारी की भीड़ थी, बेरोजगारी की भीड़ थी, बिल्कुल बेरोजगारी की भीड़ थी। सब भगवान मान बैठे थे ना, एकदम मानते थे, अभी कहाँ मान रहे हैं, पूछे किसको मांग रहे हैं सब। अच्छा, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या मानते हैं? एकदम ढोंगी। इतना जो भीड़ लग रहा है उनके पास, वो तो बोलवे किया कि पागल है बिहार का आदमी, इससे भीड़ लगाया। अच्छा, मतलब पागलों का भीड़ वहाँ पे लग रहा है? वो हम नहीं, वो तो शास्त्री खुद ही बोला। तेजस्वी यादव आमंत्रण ठुकरा दिए, जिनसे लोग मिलने के लिए, जिनसे लोग मिलने के लिए अर्जी लगा रहे हैं उनसे मिलने के लिए तेजस्वी यादव जब इन्विटेशन भेजते हैं तो आमंत्रण को ठुकरा दिया जाता है। उसका मतलब क्या बोले थे? ये तो शास्त्री खुद बोला कि बिहार का लोग पागल है, तो उसको लगता है कि एक ही आदमी पागल नहीं है जो ठुकरा दिया। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव पागल नहीं है, इसलिए ठुकरा दिया? बिल्कुल मान रहे हैं। अच्छा, हिंदू सब दिन से कब है, हिंदू एक कब है, हिंदू आज हिंदू नहीं है, 2014 से दो हिंदू मार खाएगा ना तो 10 हिंदू भागेगा यहाँ से, दो हिंदू मार खाएगा तो आप जाइएगा बचाने। भैया सभी मार खाता है, हिंदू सब मार खाता है, मार खाते हिंदू राष्ट्र बने, एकदम नहीं चाहते, हिंदू राष्ट्र होगा ही नहीं कभी, क्यों नहीं होगा? इसीलिए 150 मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, एक नेपाल बस हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। सुनो पहले, सुनो सुनो पहले सुनो पहले पहले सुनो ना पहले सुनो ना क्यों नहीं होगा? हमारा देश, सुनो पहले, हमारा देश संविधान से चलता है, ठीक है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पटना में बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है उनका आगमन हो चुका है 3 दिन पहले, और जहां सारे लोग अर्जी लगवाने जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ चल रही है उनके दरबार में, वहीं पर दूसरी ओर जब धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के मठाधीश है, वो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनको न्योता देते हैं आने का, तो तेजस्वी यादव का बयान आता है कि हमको इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं, तो आमंत्रण भेजे थे, जानते हैं तेजस्वी यादव का आमंत्रण भेजे थे पर वो ठुकरा दिए। ठुकरा दिए क्योंकि उनके मन में कुछ और होगा। क्या है मन में? उनके मन में हो सकता है सियासत चल रहा होगा। अच्छा, बाबा में इतना शक्ति है तो तेजस्वी यादव को मंत्र मारते हुए इन्विटेशन कबूल कर ले? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि बाबा में शक्ति है कि वो मंत्र मार करके किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है, तो बाबा में कैसा शक्ति? वो बस एक ही काम कर रहे हैं कि जितने भी सारे हिंदुओं हैं उनको एकजुट कर रहे हैं। तो पहले हिंदू एक नहीं थे, पहले हिंदू एक थे, ठीक है, लेकिन इधर जो अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली में द केरला स्टोरी भी निकला, ठीक है, तो वो भी इसी के ऊपर में है कि किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में लव जिहाद वाला मामला हो रहा था। अच्छा, उसकी वजह से सारे हिंदू अलग अलग हो गए थे? अलग अलग नहीं हो गए थे, लेकिन उसके बीच में क्या बोलते हैं, मिस कन्वर्सेशन का काची होता है हिंदी। अच्छा, द केरला स्टोरी में कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई 100% होता, तो उसमें जो 32,000 का डाटा था वो 3 डाटा कैसे हो गया?
बताइए अभी तक देखा। और पिक्चर के शुरू में भी बोला जा रहा है कि स्टोरी ये जो है काल्पनिक है। काल्पनिक है काल्पनिक है। अच्छा काल्पनिक है तो आपको अभी हाल फिलहाल में याद होगा दिल्ली वाला एक केस आया था जिसमें एक क्या थी उसका टुकड़े कर दिए गए। हाँ 32 टुकड़े कर गए थे। और उसके कल होके झारखंड में एक लड़का हिंदू लड़की को गर्दन काट दिया था, उस पे क्या बोलिएगा? उस अरे जहाँ पे काल्पनिक है आप 32 टुकड़े कर रहे हैं वहाँ एक टुकड़ा आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा मान आप वहाँ का केस नहीं, आप बस एक हिंदू की तरह आप, अच्छा आप जैसे बोलती है ना कि सारे लड़के एक समान नहीं होते, वैसे ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो 32 टुकड़ा कर रहा है तो एक केस वो नहीं है। मुस्लिम को रहने से आपको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होगा, बोल रहे हैं कोई आपत्ति अलग हो गया। हम ये बोले कि ये ना बता रहे हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ ना कि अगर हिंदू एक है तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री आए उन्होंने कहा कि मुस्लिम को भगाओ, ऐसा उन्होंने कभी कहा? जो बात है वो बताइए ना, तेजस्वी यादव उनका जो आमंत्रण है वो कबूल नहीं? क्यों करेंगे भाई, वो जान रहे कि वो बीजेपी का सत्ता आ जाएगा, जान रहे कि हिंदुत्व में इतना ताकत है। हम मान रहे हैं बीजेपी के लिए आए हैं, बीजेपी के लिए नहीं लेकिन हिंदुत्व। अच्छा आप बताइए कि यहाँ कितने मुस्लिम है जो जाके अभी बीजेपी को वोट देते हैं, कितने मुस्लिम है आप बताइए हमको? अरे जिसका जो मन करेगा उसको वोट देगा? नहीं कभी मन नहीं करेगा। अभी देखिए कर्नाटक में जब सरकार बनी, एक सरकार जब बनी वहाँ तो वहाँ क्या बोले सब, कहा कि अब यहाँ से वो क्या बोलते जो उनका नारा है जो नया निकाले हैं, देश जोड़ो भारत जोड़ो। हाँ भारत जोड़ो, भारत जो एक कर्नाटक से उनका भारत जुड़ गया जिसमें उनको 150 सीट आई, बीजेपी 100 सीट आई। अब जो केंद्र चुनाव होता है उसमें बीजेपी का 350 सीट था, कितना कम हो जाएगा? 50 सीट कम होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 सीट कम, लेकिन आएगा तो सत्ता में कौन? बीजेपी ही आएगा। चाहे आप सही बोल रहे हैं, हम नहीं बता सकते। आप बताइए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो है तेजस्वी यादव का आमंत्रण भेजे लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किए तेजस्वी यादव? और जो आदमी का काम न है जाके वहाँ प्रवचन सुनेगा? अच्छा, जो आदमी का काम नहीं है वही प्रवचन सुनेगा? और कौन सुनेगा? तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हम जो मेरी जनता है उसके लिए काम करेंगे, ये सब प्रवचन वगैरह क्यों सुनेंगे? प्रवचन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रवचन से कुछ नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं, आप से कुछ होने वाला नहीं है से कुछ नहीं अपना है। अच्छा अच्छा प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला है ना? प्रणाम नहीं करता होगा, 10 बार गोल लगता होगा वहाँ। आप वहाँ देखने जा रहे हैं कि वहाँ कितना खाली हम ही लोग के एज का है, वहाँ बूढ़ा से लेके बच्चे तक हैं। आप प्रवचन से फायदा बताइए तो। प्रवचन से पूछे ना जो बोल रहा है उसका फायदा बताइए। प्रवचन से पहली बात आप योगा करती है ना? योगा नहीं करती इसलिए तो योगा करती है ना, ये अगर योगा कोई करता है उससे क्या होता है, दिमाग को मतलब शांति मिलता है। अब जैसे हम लोग हिंदू धर्म, प्रवचन सुनने से शांति मिलता है ये बोल रहे, प्रवचन सुनने से शांति मिलता है? शांति मिलता है तो वो है आदमी जाके बस जाए। बहुत सारे लोग शांति रहेगा, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं वहाँ पे, बीमार पड़ेगा ना, इतना गर्मी भीष्म गर्मी है। था कि बिहार में इतना ज्यादा गर्मी पड़ेगा, हम क्यों अभी यहाँ पे आ रहे हैं? बिहार में तो बस मतलब 200,000 लोगों के लिए ही वहाँ अरेंजमेंट किया गया। अब बाबा को क्या पता, बाबा ने तो खुद ये एक वीडियो अपना जारी किया उसमें बोला कि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप अपने घर से बच पाए। बाबा को पता नहीं था कि बिहार में कितने लोग आ सकते हैं भाई, शक्तिशाली है। सही बात, यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है इसके कारण सब वहाँ जाकर बेरोजगार रहेगा तो कहा वहाँ प्रवचन सुनने के लिए? बहुत बेरोजगार, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं इतना बेरोजगारी बढ़ा है कि कोई व्यक्ति के काम मिलना मुश्किल हो रहा है। 2014 से पहले तो बहुत नौकरी मिल जा रहा था, नौकरी मिल ही रहा था, इससे पहले कितना वैकेंसी निकला, कितना महंगा काम था, बागेश्वर धाम वाले जो है धीरेन्द्र शास्त्री इन्विटेशन भेजे थे तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव ठुकरा दिए, क्या बोलिएगा? बोलिए। अच्छा क्या आप प्रवचन सुनने गए थे? नहीं गए। काहे नहीं गए? हमको टाइम नहीं है। टाइम नहीं है कथा सुनने के लिए? टाइम नहीं है आपके? नहीं टाइम नहीं है। बाबा को नहीं मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं बाबा को? तो उतना फुर्सत रहता है ना किसी के पास तो उतना बैठा। आप बताइए सर, तेजस्वी यादव इन्विटेशन ठुकरा दिए बाबा जी का, जहाँ लोग इतने दूर दूर से बाबा से मिलने आ रहे हैं और बाबा मिलना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, देश के राज्य के उप मुख्यमंत्री है और उनके पास बहुत सारे काम है। प्रवचन सुनने से हमारे राज्य का जो समस्या है उसका समाधान तो नहीं हो जाएगा। प्रवचन सुनने से राज्य की समस्या समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि
प्रवचन से अच्छा है कि हम कुछ जनता के लिए कुछ काम करें, इसलिए वो नहीं गए। निश्चित रूप से उनका जो सोच है बिल्कुल सही है। कि नहीं गए सर? नहीं, मैं नहीं, मैं मोदी जी ने बोला था 15 लाख नौकरी देंगे, मिल गया क्या? नहीं मिल रहा है। 15 लाख रुपए मिला? 15 लाख मिल रहा है? 15 लाख मिला? कब मिला? 15 लाख उन्होंने तो बोला था कि प्रत्येक खाता में 15 लाख रुपया आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। क्या लाख रुपया गया, क्या रुपया गया, तो पूछ लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल भी बोला था कि हम जब बन जाएंगे तो सबके सब तेजस्वी यादव की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मोदी जी की बात नहीं हो रही, तेजस्वी जी की बात हो रही है। तेजस्वी जी की बात बताइए। तेजस्वी यादव ये मुख्यमंत्री है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है? उप क्या बोले थे? उप मुख्यमंत्री कौन सा? दिखाइए हमको, कब बोले थे कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो नौकरी देंगे? दिखाइए हमको। चुनाव होने से पहले? कहाँ कहाँ बोले? अभी सरकार किसकी? अभी सरकार बोले थे? अच्छा, उप मुख्यमंत्री बोले थे कि मुख्यमंत्री बोले थे सर? उन्होंने बोला कि मेरी जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले कि जब मेरी सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। चाचा, लेकिन उनकी गए थे प्रवचन सुनने? नहीं, हम तो नहीं गए थे। काहे नहीं गए चाचा? जाएंगे अभी तो टाइम मिलेगा तब न जाएंगे। पापा पे विश्वास नहीं है? अभी हम क्या बता सकते हैं, दुनिया गया है। हाँ। बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। हाँ। तो सब विश्वास है? सब विश्वास है। इधर इधर तुम लोग गए पापा से मिलने? नहीं, अभी तक तो नहीं गए, हम लोग स्टूडेंट है। जाने का चाहते हो? भीड़ इतना है तो कैसे जाएंगे अभी? पापा पे विश्वास है? कहीं रहेगा विश्वास? चमत्कार करते हैं पापा? आखिर देखिए, आखिर वो भी धर्म ही है ना। आखिर धर्म है तब ना पूछते हम लोग। नहीं पूछेंगे उसको तो क्या होगा? जो हनुमान जी से आप गए कि नहीं? बिल्कुल गए थे। हाँ, तो तो आपको चमत्कारी लगे तभी ना? अपना रिपोर्टिंग करने गए थे। तो रिपोर्टिंग में आपको क्या मिला वहाँ जाके? तो ऐसा कुछ नहीं लगा, हम तो जाके देखे तो वहाँ पे गर्मी से लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। एक लड़का का जो था आस्था है तभी ना लोग जा रहे हैं कि विदाउट आस्था? भूख मार के ठीक कर देना चाहिए था ना। अच्छा, तो सही बात है कि नहीं चाचा? बिल्कुल सही बात है। इतना शक्ति था तो जो लोग बीमार पड़ते हैं तो उसको शक्ति नहीं, वो बेरोजगारी की भीड़ थी। बेरोजगारी की भीड़ थी? बिल्कुल बेरोजगारी की भीड़ थी। चाचा ये भी बोल रहे हैं बेरोजगारी, आप क्या बोलिएगा सर? बिल्कुल ढोंगी है, ढोंगी है, एकदम ढोंगी है। ढोंगी बोल रहे हैं? जितना भी बाबा है ये आसाराम बापू से कम नहीं है। इसे मतलब बोल रहे जैसे आसाराम बापू जेल गए हैं वो ढोंगी थे, ये भी कम वैसे ढोंगी है, एकदम समय आएगा तो जाएगा। मुझे ढोंगी बोल दिए? अच्छा, वो समय पे समय सबका अनुकाल देगा। कभी सब भगवान मान बैठे थे ना? एकदम मानते थे, अभी कहाँ मान रहे हैं? पूछे किसको मांग रहे हैं? सब धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या मानते हैं? एकदम ढोंगी। इतना जो भीड़ लग रहा है उनके पास, वो तो बोलवे की अगर पागल है बिहार का आदमी, इससे भीड़ लगाया। अच्छा, मतलब पागलों का भीड़ वहाँ पे लग रहा है? हम नहीं, वो तो शास्त्री खुद ने बोला। तेजस्वी यादव आमंत्रण ठुकरा दिए, जिनसे लोग मिलने के लिए, जिनसे लोग मिलने के लिए अर्जी लगा रहे हैं उनसे मिलने के लिए तेजस्वी यादव जब इन्विटेशन भेजते हैं तो आमंत्रण को ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब क्या बोले थे? तो शास्त्री खुद बोला की बिहार का लोग पागल है, तो उसको लगता है की एक ही आदमी पागल नहीं है जो ठुकरा दिया। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव पागल नहीं है इसलिए ठुकरा दिया? बिल्कुल मान रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एक करने आए हैं। हिंदू एक सब दिन से है, ये शास्त्री क्या एक करेगा? हिंदू सब दिन से है। कब हिंदू एक? कब है हिंदू? आज हिंदू नहीं है, 2014 से दो हिंदू मार खाएगा ना तो 10 हिंदू भागेगा यहाँ से। दो हिंदू मार खाएगा तो आप जाइएगा बचाने? भैया सभी मार खाता है, हिंदू सब मार खाता है। हिंदू राष्ट्र बने? एकदम नहीं चाहते, हिंदू राष्ट्र होगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं होगा? इसीलिए 150 मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, एक नेपाल का हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। सुनो पहले, सुनो पहले क्यों नहीं होगा? हमारा देश, सुनो पहले, हमारा देश संविधान से चलता है, ठीक है? संविधान में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है? ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनेगा। और अच्छा सुनिए ना, तो वही नवतपुर में संविधान में जो लिखा हुआ नहीं कर सकता। सुनिए भैया, चुप हो जाओ। संविधान में जो लिखा हुआ उसी नवतपुर में बोल रहे हिंदू एक हो जा रहा, उसी नवतपुर के थोड़े दूर पे नवतपुर में अम्बेडकर साहब का मूर्ति तोड़ा जा रहा है। ढोंगी तोड़ेगा ना? ढोंगी को क्या चाहिए? ढोंगी ढोंगी सभी तोड़ता है। वो कौन तोड़ा कौन देखा? अरे कौन कौन तोड़ा नहीं तोड़ा, इसका पुष्टि तो पुलिस ने करेगा। हम बोलना चाहेंगे, जब मनोज तिवारी जी, सुनिए सुनिए, जब मनोज तिवारी जी की एक फंक्शन में गए थे तब कोई लड़की मजाक में बोल दी थी कि सर गाना गाइए, तो बोलते एक सांसद से ऐसे बात करो, वही सांसद एक मतलब धर्म गुरु का ड्राइवर बन जाते हैं। सांसद ड्राइवर ही नहीं, ड्राइवर एक नंबर का नचनिया है।
वो नचनिया शुरू से है ही है, नचनिया है, नचनिया खुद ही बोला नचनिया है, ऐसे नहीं बोले, सांसद है वो, सांसद है उसके पास नचनिया है वो। श्रद्धा भी कोई चीज होती है, हाँ श्रद्धा से, ऐसे तो नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, ऐसे तो तेजस्वी यादव भी जाते हैं हर जगह मजार में माथा टेकने, तो वो उसको उसको आप क्या बोलिएगा कि पागल आ गया है, बोल दी दे रहा है पागल, पागल पागल तो बोले पागल हम नहीं बोले हैं पागल है, धीरे शास्त्री बोला है पागल है यार, के लोगों को पागल बोले नहीं, हम सुने हम सुने पागल के, पागल कहने का एक ही मिनट नहीं, अब हम आपको भी बोलेंगे हंस रहा है तो पागल है, वो ये नहीं ना सोच रहे होंगे धीरेन्द्र शास्त्री की, बताओ ये लोग सारा काम धंधा छोड़ के पागल है तभी तो मेरे पास आ जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे थे, बिल्कुल सोच रहे थे, नहीं सोच रहे हैं वो क्या पागल है, बेरोजगारी के कारण उतना भीड़ जुट रहा है, मतलब आप लोग के कहने का मतलब है कि भीड़ बेरोजगारी की तरफ से, बेरोजगारी के वजह से है, बेरोजगारी तो है ही, ठीक है बेरोजगारी तो है ही, उसके लिए किरण शास्त्री जी से मिलने गए, नहीं नहीं हम नहीं, क्यों नहीं गए, हम नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए, हम दूसरा जॉब के लिए, हम उधर इस प्रवचन सुनने नहीं गए, ना नहीं गए, नहीं मानते हैं, सबको मानते हैं लेकिन हम नहीं गए, तेजस्वी यादव जी जो है उनका आमंत्रण ठुकरा दिए हैं, अब उनका राजनीति क्या है वो जाने, अच्छा आप मानते हैं कि वो चमत्कारी है, कैसे कहें हम चमत्कारी है क्या, जब हम गए ही नहीं कैसे बोले वो, क्या लगा अपना, चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे तेजस्वी यादव जो थे उनका आमंत्रण ठुकरा दिए हैं, उसका बहुत सारा कारण बताया है, कुछ लोगों ने बोला है कि वो आस्था से दूर रहते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार है वही वहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।